तो दोस्तों ये है माइक्रोमैक्स का इन वन बी और आज हम बात करेंगे इसकी 0 to 100 चार्जिंग के बारे में और 100 से लेके 0 कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, एक्सट्रीम अगर कंडीशन में गेम खेलेंगे, वीडियो प्लेबैक अगर करेंगे तो कितना टाइम लेता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर इन सब के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहले यहाँ पे बात करेंगे इसको खत्म होने में कितना टाइम लगता है एक्सट्रीम कंडीशन में। नॉर्मल अगर यूज करेंगे तो अभी से स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ कि ये एक दिन आराम से चलेगा, एक दिन से ऊपर चल जाएगा, बहुत ही अच्छा इसका बैटरी बैकअप है और हीटअप भी ज़्यादा नहीं होता, गेम खेलने के टाइम में होता है। वीडियो प्लेबैक अगर नेट के थ्रू करेंगे तो उतना हीटअप ये नहीं होता है जितना बाकी फ़ोन भी इस रेंज में हो जाते हैं, लेकिन ये ठीक ठाक चल रहा है। और इसके इस हिसाब से देखेंगे तो रियल मी का जो सीरीज आता है C15, C12 वगैरह वही सेम प्रोसेसर इसमें भी लगा है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है, और POCO C3 है उसमें भी आपको देखने को मिलता है, और सब में सेम है वही, ज़्यादा हीटअप नहीं होती है क्योंकि ये 10,000 से नीचे फ़ोन है और इसमें ज़्यादा हैवी यूज भी नहीं होता है तो यहाँ पे हीटअप भी नहीं था। और एक बात है क्योंकि इसमें 720 वाले आपको डिस्प्ले मिलते हैं, यानी कि फुल HD प्लस वाले डिस्प्ले नहीं, सिर्फ HD प्लस वाले डिस्प्ले मिलते हैं, तो इसी के लिए भी ये सब हीटअप नहीं होते हैं। तो बात करते हैं कितना टाइम लेता है ये चार्ज खत्म होने में, तो आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट दिखेगा जो मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, क्योंकि डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं करता, मैं बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले जाता हूँ, प्लेबैक करके उसको वीडियो प्ले कर देता हूँ, गेम खेलता हूँ और बीच में स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तो आपको पहले स्क्रीनशॉट आप देखेंगे 100% जो है वो है 1625, यानी कि 4.5 में ये 100% में था। उसके बाद बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है वो है 5:35, यानी कि 5:30 में ये पहुंच गया था 92% में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 8:30 में ये पहुंच गया था 60% में, और फुल चार्ज आप देख सकते हैं 4 आवर्स एगो लिख रहा है और स्क्रीन यूजीएसपी 4 आवर 5 मिनट दिखा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं 10:43 में ये पहुंच गया था 41% में, 22:43 लिखा है यानी कि 10:43 रात को, और 6 आवर एगो फुल चार्ज दिखा रहा है, आप नीचे देख सकते हैं, और 20 मिनट स्क्रीन यूजीएस दिखा रहा है। उसके बाद बात करते हैं रात के 12:17 पे, तो ये पहुंच गया था 18% में और उस टाइम हो गया था फुल चार्ज 8 आवर्स एगो, यानी 8 घंटा हो चुका था, और स्क्रीन यूजर स्क्रीन कितना ऑन था तो लगभग 7 घंटा ये ऑन है स्क्रीन। उसके बाद मैं फोन बंद कर दिया था, और ये वाला स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं सुबह के 9 बजे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन यूजर फुल टाइम दिखा रहा है वो 9:22 दिखा रहा है। तो यहाँ पे लगभग आपको 10 से लेकर 10.5 घंटा का बैटरी बैकअप मिल जाता है अगर आप एक्सट्रीम यूज करेंगे तो, यानी कि कंटिन्यूअसली अगर वीडियो प्ले करेंगे या फिर गेम वगैरह खेलेंगे तो उतना जाएगा। तो मान के चलिए कि अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं, कॉलिंग वगैरह करते हैं और थोड़ा यूट्यूब वगैरह वीडियो प्लेबैक भी करते हैं या फिर ऑनलाइन जो क्लास करते हैं वो भी अगर करते हैं तो आराम से आपको ये एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और इसी हिसाब से देखें तो ऑनलाइन क्लास में वही वीडियो चलता है, नेट के थ्रू ही चलता है, तो आराम से आपका डायरेक्ट अगर कंटिन्यू से करेंगे तो 10 घंटा जाएगा, और नॉर्मल यूजेस करेंगे तो आराम से आपको एक दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये चार्ज होने में कितना टाइम लेता है। अब चार्जिंग टाइम की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये चार्जर दिखाता हूँ। तो ये माइक्रोमैक्स का चार्जर है, 10 वाट का चार्जर है और दिखने में नॉर्मल दिखता है, जो कि मैं अनबॉक्सिंग टाइम में बताया था। तो ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, 1% हुआ था 12:35 में। उसके बाद आप देख सकते हैं 13:36 में, यानी कि लगभग 1:30 बजे ये पहुंच गया था 46% में। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 2:30 बजे ये पहुंच गया था 83% में, 3 बजे ये पहुंच गया था 91% में, और उसके बाद ये 3:30 में 97, और ये 4:30 में 100% पहुंच गया था। तो ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि जब से ये 90 क्रॉस कर गया उसके बाद बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा था, और आप जैसे कि देख सकते हैं 4:30 में ये फुल चार्ज हो गया। तो जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि 12:30 में ये 1% पे था, उसके बाद 1:30 में ये 46 हो गया था, और 2:30 में ये 83% हो गया था, और यहाँ पे 3 बजे ये पहुंच गया था 91% में। लेकिन 3 बजे से उसके बाद 4:30 तक, यानी कि 1.5 घंटा लगा इसको 10% होने में, तो उस टाइम बहुत स्लो चार्ज हो रहा था ये। तो इस तरह कुछ ये चार्ज होता है, लगभग 4 घंटा लगता है 0 to 100 होने में। और अगर फास्ट चार्ज की बात करें तो मैं 18 वाट का जो Xiaomi का चार्जर है उससे भी ट्राई किया, लगभग वही सेम रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कि फास्ट चार्जर से 18 वाट वाले चार्जर से करने से जल्दी हो जाएगा, मुझे वही सेम रिजल्ट मिला, जल्दी से हो गया, वही 2 घंटे 2.5 घंटे में ये 0 to 90 पहुंच गया, लेकिन 90 से 100 होने में इसको वही सेम टाइम लगा। तो ये था दोस्तों इसका चार्जिंग टेस्ट के बारे में एक छोटा सा वीडियो की
जीरो टू हंड्रेड होने में कितना टाइम लगता है, 100 से जीरो होने में कितना टाइम लगता है, आई होप आपको पता चल गया होगा कितना टाइम लगता है। और जैसे कि बताया ज़्यादा हीटअप नहीं होता है, और बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि ऑनलाइन क्लास के लिए ठीक है कि नहीं, वीडियो कहीं लैग नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वीडियो कॉलिंग करते हैं तो कहीं पर भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो पसंद आया तो जल्द से लाइक कर देना। और एक सबसे पहली बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए टेक पर यूट्यूब चैनल, मैं बताऊँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।